अनाज मंडी में लगी आग को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को शहरी विकास मंत्री एक और जहां ये कहते नजर आए कि वो इस मामले को लेकर राजनीति नहीं करना चाहते, तो वहीं दूसरी ओर लगे हाथ दिल्ली सरकार पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि हर बार एक घटना होती है और जांच होती है, लेकिन उसके बाद बदलता क्या है। इतना ही नहीं, हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली सरकार की फ्री योजनाओं को लेकर भी तंज कसने में देर नहीं लगाई। वन अनाज मंडी में लगी आग के बाद अब उसमें काम करने वाले 43 लोग हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हादसे के बाद सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर जहां आम आदमी पार्टी के नेता इसके लिए एमसीडी को जिम्मेदार ठहराने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ये साबित करने में लगी है कि इसके पीछे दिल्ली सरकार है। सोमवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी कुछ ऐसा ही करते नजर आए। पुरी ने एक ओर तो ये कहते हुए नजर आए कि मैं इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता, लेकिन दूसरी ओर ये भी कहने से नहीं चूके कि एक के बाद एक घटना हो जाती है, हर बार जांच कमेटी बैठ जाती है लेकिन बदलता कुछ नहीं है। पुरी यही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली सरकार की फ्री योजनाओं को लेकर भी तंज कसने में देरी नहीं लगाई। मैं उस स्थान पे गया हूं, इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वहाँ पे जाकर रोना आता है। आप वहाँ पे घुसिए, छोटी सी गलियाँ हैं, तारें ऐसी लटक रही हैं, कोई वो पतंग उड़ा रहा होता है ना, वो किसी की तार अगर दोनों में फंस गई तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और एक जगह में, एक छोटे से स्थान में फैक्ट्री चल रही है, उसमें 50 लोग रह रहे हैं। अब छोड़िए किसने किसकी गलती है क्या, वो तो दिल्ली के हमारे लोग भी जांच मांगेंगे, मुख्यमंत्री जी ने एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, उसको एक तरफ छोड़िए। मैं सिंपल सवाल पूछता हूं, अगर दिल्ली सरकार में और या किसी सरकार में फायर डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है और लेबर डिपार्टमेंट है, ये कैसे हो सकता है कि जहां पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जिसमें नो ऑब्जेक्शन दिया हुआ बिजली के कनेक्शन का, जिसमें वो दिया हो फायर का क्लियरेंस दिया हो, कुछ भी नहीं है। अच्छा आप ये कह रही मेरी गलती नहीं है, अरे किसी चीज में उनकी गलती नहीं है, पोल्यूशन होती है गलती नहीं है, गंदे पानी पे उनकी गलती नहीं है, अगर 50 लोग एक जगह में रह रहे हैं, अरे इसमें नियम बने हुए हैं, अरे ये बिल्डिंग क्यों नहीं हटाई, अरे भाई बिल्डिंग लीगल इलीगल नहीं है, ये बिल्डिंग इंसिडेंटली वाज कवर्ड अंडर द स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। हरदीप सिंह पुरी ने साफ तौर पर कहा कि वो इस घटना के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहते हैं, लेकिन वो ये कहने से भी नहीं चूके कि वहाँ लटकते तारों के लिए जो किया जाना चाहिए था वो जिम्मेदारी से नहीं किया जा रहा था। बट फायर डिपार्टमेंट को जाके देखना है ना कि वहां पे क्या फायर हैजर्ड है। अच्छा यहां नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आप दिल्ली घूमिए, सैकड़ों जगह आपको ऐसी मिलेंगी जहां पे फायर हैजर्ड इज इमिनेंट। और मैंने तो अपने सोशल मीडिया मैसेज में बोला, पिछले 5 साल में एक को करोलबाग में हुई, कुछ एक इंडस्ट्रियल एरिया में हुई, हर बार आप जांच कराते हो, सीख क्या रहे हैं। सो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल, इज नॉट ब्लेम गेम, वी कल इंक्वायरी में निकलता किसी और की गलती है, बाय ऑल मींस टेक एक्शन अगेंस्ट देम, बट एक चीज आंखों को सामने नजर आ रही है कि तारें यूं लटक रही हैं, नीचे बच्चे घूम रहे हैं, किसी ना स्पार्क आएगा, दुर्घटना होगी, उसी की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब हरदीप सिंह पुरी से ये पूछा गया कि क्या वो ये मानते हैं कि आखिर इस पूरे हादसे में एमसीडी कहीं तक जिम्मेदार नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा कि आप खुद सुनिए। वो है एमसीडी की बिल्डिंग कैसे हुई नहीं, एमसीडी के लोग वहां सीलिंग के लिए गए थे, क्यों गए फ्राइडे को, उनको क्या इंस्टिंक्ट थी कि होने वाला है, उस चीज को छोड़िए, लेट द इंक्वायरी कम आउट विद इट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एमसीडी इज ब्लेमलेस और एमसीडी इज टू ब्लेम या डीडीएस टू ब्लेम और लेफ्ट गवर्नमेंट। आप टीवी देखिए, टीवी तो पे आपकी शक्ल भी आ रही है, डीडीए मुर्जिम कौन है, डीडीए मेरी शक्ल आ रही है, शहरी विकास मंत्रालय, शुक्र है मेरे, माय वाइफ वाज लुकिंग एट इट, तुम्हारा नाम नहीं है, सिर्फ तुम्हारी मंत्रालय का आ रहा है। अरे देखो, लेट्स बी सीरियस, एक इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, लोग आग से नहीं मरे हैं, लोग धुएं से मरे। इंसिडेंटली दैट बिल्डिंग 5 मिनट क्यों रही, इट्स कवर्ड अंडर द स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, सो डोंट से दैट बिकॉज एवरी ईयर वी गो टू पार्लियामेंट एंड गेट दैट। इतनी बड़ी घटना हुई है तो उसे लेकर जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, लेकिन देखना यह होगा कि मजिस्ट्रेट जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़ दिल्ली।